आंसू जी को राखी बांधी और आंसू जी ने बहुत बड़ा त्याग की भावना दिखा करके और जो गिफ्ट में ये पूरा लैंड दिया। रानी इतनी प्रभावित हुई कि ऐसा आदमी जो इतना त्याग और बलिदान कर सकता है, इसलिए मैं इस बाग का नाम राय का बाग रखूंगी। ये हमारी छोटी सी जो इसके पीछे कहानी है, मतलब जो ब्रीफ में बता रहा हूँ। इसके बाद में दूसरा राजा आया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे महल बनाना है, तो राय का बाग का नाम हुआ राय का बाग पैलेस। उसके बाद रेलवे आया, रेलवे स्टेशन बना, इसके बाद इसका नाम हुआ राय का बाग पैलेस स्टेशन और जंक्शन। इस सब के सबूत हमारे पास है, हमने रेलवे को दिया है। और भारत के गजेटियर में, मारवाड़ के गजेटियर में एवरीवेयर राय का शब्द है। राय का मतलब राय का समुदाय, राय का समाज। लेकिन बाद में रेलवे ने उस राय का शब्द को दो भागों में तोड़ दिया, राय और का। राय का मतलब सरसों और राय, तिलहन और जो मसाले में यूज करते हैं वो राय बन गया। और ये जो हमारे समाज का नाम था उसकी जगह अर्थ का अनर्थ हो गया। हमारी डिमांड ये है कि हमारे समाज का नाम जो राय का है वो रेलवे दोबारा से उन दो शब्दों को जोड़े। खाली स्पेस की गलती की उन्होंने कि राय और का दे दिया, जिससे अर्थ का अनर्थ हुआ है, इसलिए वो स्पेस हटाए और जो त्रुटि की है रेलवे ने, जो गलती की है उस गलती को सुधारे। इसके लिए हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए, बहुत सारे लेटर लिखे, लेकिन रेलवे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रेलवे इनसेंसिटिव रहा कि समाज की भावना इसके साथ जुड़ी है। आखिर में हम लोगों ने निश्चय किया कि रेलवे के खिलाफ 1 जुलाई को हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना देंगे कि हमारी ये मांग को पूरा किया जाए। हमारी 3 मांगे हैं। 1, जो राय और का शब्द है उसको मिलाया जाए और राय का बाग स्टेशन किया जाए। दूसरा, हमारे क्योंकि लोगों को पता नहीं है संस्कृति के बारे में, हमारे समाज की संस्कृति के बारे में वॉल पेंटिंग किया जाए, ताकि कोई भी आने वाला यात्री समझ सके कि भाई राय का संस्कृति क्या है। तीसरा, जो आंसू जी जिन्होंने ये जो लैंड है वो रानी को राखी के लिए भेंट की थी, उन आंसू जी की रेलवे स्टेशन के सामने मूर्ति लगाया जाए। तो 3 हमारी डिमांड है, राय का शब्द सही किया जाए, दूसरा हमारा वॉल पेंटिंग की जाए राय का संस्कृति की, और तीसरा आंसू जी की मूर्ति रेलवे स्टेशन के सामने की जाए। ये 3 डिमांड लेके हमने ज्ञापन दिए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए सारा समाज हमने डिसाइड किया कि 1 तारीख को धरना देंगे, और जब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारा नाम पूरा नहीं मिल जाता। मंत्री जी कुछ दूसरा बात हम लोग ये बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं मंत्री जी को देता हूँ। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप राय का बाग जंक्शन पे जाइए। आपको खुद को आश्चर्य होगा, टंकी के ऊपर नाम सही है, राय का टंकी के ऊपर सही है, बोर्ड के ऊपर गलत। आप अंदर जाएंगे ऑफिसर्स का जो प्लेट लिखी हुई है उस पर राय का शब्द सही है, लेकिन दूसरी जगह बोर्ड गलत। और इसी आधार पे JDA ने, जो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जगह जगह जो रोड के ऊपर जो लगाए हैं कि भाई इंडिकेट करने के लिए, सब पे नाम गलत है, वो नाम भी सही करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ स्टेशन का जो राय का शब्द का नाम लेकर बेस बना करके जो नाम गलत लिखे गए, हमारी मांग है सब नाम परिवर्तन करना चाहिए और हमारे समाज का नाम राय का शब्द लिखना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। सब ये जो रेलवे स्टेशन से टिकट जारी किया था तो उसमें क्या संदेश है? रेलवे स्टेशन से जो टिकट जारी किया उसमें बराबर है। आपको आश्चर्य होगा कि जो अभी आप जैसे ऑनलाइन रेलवे टिकट काटते हैं तो उसमें राय का सही आ रहा है। अच्छा। तो खुद की गलती रेलवे स्वीकार नहीं कर रहा है। अरे भाई, आपकी की गलती, आपने दूसरी जगह गलत लिखा है और एक जगह सही लिखा है, और गलत को सुधारते क्यों नहीं है? एक छोटी सी गलती, और कोई गलती नहीं है, खाली स्पेस, स्पेस से पूरा अर्थ का नट हो गया। इस धरने में कितनी संख्या आपकी रहेगी? इस धरने में बहुत संख्या रहेगी, मतलब कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो समाज का, क्योंकि आंदोलन है
कोई भी एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है, पर हर भारत के हर कोने से रायका आएगा, क्योंकि ये रायका का मतलब कम्युनिटी। गुजरात में कम्युनिटी हमारी है, एमपी में है, यूपी में है, पूरे राजस्थान में, हर जगह से लोग यहाँ पे आएंगे, हरियाणा पंजाब से आएंगे, और इस शब्द को हमें वापस लेना है किसी भी हालत में। इस जगह का हमने हमारे जो छात्रावास से हम शुरू करेंगे रैली, और हम लोग जाएंगे डीआर में ऑफिस तक, और उसके बाद रायकाबाग स्टेशन पर जाएंगे। रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो हम लोग हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग बिल्कुल नियम और अनुशासन के अनुसार काम करने वाले हैं। जैसे आपने जो देखा, तो नियम और कानून के अनुसार ही हम काम करेंगे, परमिशन बाकायदा लेकर के उसी के अनुसार काम करेंगे। धरना डीआरएम के सामने, जैसे रैली निकालेंगे तो डीआरएम के सामने धरना देंगे, और दूसरा हम लोग वहां से रैली निकालेंगे और रायकाबाग स्टेशन पे जाएंगे। ये परिस्थिति बताएगी उस दिन वो हमारा सोल्यूशन करते हैं नहीं करते हैं। हाँ, हमारा धरना सोल्यूशन के ऊपर है, ये रेलवे के ऊपर। जब आपने थोड़े समय पहले डीआरएम से मुलाकात करके ज्ञापन लिया था इसी मीटिंग को लेकर, तब आपकी क्या बात हुई और उसका क्या था? यार, वो जैसे ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होती है कि हमारा हमारे पास नहीं है, दिल्ली के पास आएगा, जयपुर के पास आएगा, ओके उसके पास आएगा। अरे, संस्था से हम लोग बोल रहे हैं, रेलवे रेलवे इज एन इंस्टीट्यूशन, वी आर आस्किंग टू द इंस्टीट्यूशन कि हमारा सोल्यूशन करना चाहिए। उनका इंटरनल क्या प्रोसेस है, इंटरनल क्या होता है, वो उनको देखना है, वो मुझे नहीं देखना है। हमें तो रेलवे से अपना समाधान चाहिए किसी भी हालत में। आसुराम जी की मूर्ति का प्रकरण अभी जोड़ा गया है कि पहले से जुड़ा हुआ है? आसुराम जी की मूर्ति हम लोग चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन के सामने हो, क्योंकि जो राय का शब्द यहाँ पे जो बाघ की हिस्ट्री है उसमें जो राय का शब्द हमारे आसू की रायका से आया है, इसलिए लोगों को रेलवे के लिए भी अच्छा रहेगा कि उनका टूरिज्म बढ़ेगा। सब लोग वॉल पेंटिंग देखेंगे तो राजस्थान की संस्कृति की ही हमारी एक संस्कृति एक भाग है, सब लोग देखेंगे राजस्थान की संस्कृति ये है, सामने देखेंगे तो उसकी स्टोरी उनको याद आएगी। तो ये अपने टूरिज्म के लिए और रेलवे के लिए भी अच्छा है, प्रोवाइडेड रेलवे इसको पॉजिटिवली ले। हमारे अभी हमारे जो एक मंत्री जी, हमारे कपूर जी यहाँ पे हैं, हमारे भोला जी हैं यहाँ पे, हमारे डॉक्टर सुखराम हैं जिन्होंने पूरा रिसर्च किया इस काम लेकर, और हमारे कैप्टन साहब हैं, कृष्णा जी हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। मैं गोवर्धन राय का हूँ, और इस मेरा बोलो, मेरा नाम लाल सिंह राय का है, और मैं ये हरमल हमारी जो हरमल समिति है उसका संरक्षक हूँ। हमारे कपूर जी हैं वो अध्यक्ष हैं, हमारे सुखराम हैं वो सचिव हैं, और हमारी कोर कमेटी आपके सामने बैठी है। जरूरी है, हाँ जी, मैं और आपको अपना परिचय दूँ। मैं पहले एक्सिस बैंक में था, रीजनल हेड, कलकत्ता में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। मैं अपनी सर्विस छोड़ के सार्वजनिक जीवन में आया, काफ़ी हमने एजुकेशन के लिए मैंने काम किया है, पिछले दो इलेक्शन भी मैंने लड़े हैं, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे समाज का है, इसलिए समाज के लिए लड़ाई थी।